बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष आज अपने राज्यों में मीडिया से बजट की खूबियों पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम आम बजट पर बीजेपी के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम बजट पर चर्चा के लिए 1 से 12 फरवरी तक देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, चर्चा के लिए 1 से 12 फरवरी तक का ये जो देशव्यापी अभियान है, प्रायोरिटी यही रहेगी, लक्ष्य यही रहेगा कि लोगों तक इसकी खूबियों को आसानी से पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, लेकिन उसको जनता के बीच कैसे पहुंचाना है, बीजेपी ने उसके लिए भी रणनीति पहले से तैयार कर ली थी, यानी कि बजट पेश होने से पहले ही ये रणनीति भी तैयार कर ली थी। और उसी कड़ी में सुशील मोदी के नेतृत्व में जो एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, और उस 9 सदस्यीय कमेटी ने रूपरेखा तय की है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में, यानी कि 1 से लेकर 12 तारीख तक जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो बड़े चेहरे हों, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर जो है अगर वहां पर उनकी सरकार नहीं है तो विपक्ष के जो नेता, वो तमाम बड़े चेहरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को ये बताएंगे कि आखिर ये बजट कैसे उनके हित में, क्योंकि विपक्ष इसको जो बजट को के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, ये कह रहा है कि जनता को कुछ मिला नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि बजट से जनता को क्या मिला है ये बताया जा सके। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इस साल में ही 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने, अगले साल जो है जो लोकसभा चुनाव होना है, और अगले साल का बजट पूर्ण साल का बजट नहीं होगा, अंतरिम बजट होगा। ऐसे में सरकार ने जनता को क्या कुछ दिया है ये बताने की कोशिश करेगी बीजेपी इस तरीके के कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल अंकित, तो कह सकते हैं कि 23 पर भी नजर है और 24 पर भी निशाना है, और इसीलिए बीजेपी को हमेशा कहा जाता है कि वो प्रोएक्टिव मोड पर रहती है। निश्चित तौर पर, और इसी वजह से देखिए आप खुद समझिए कि बजट पेश होना था 1 तारीख को, लेकिन ये जो कमेटी का गठन कर दिया गया था 2 दिन पहले ही, और बाकायदा सबको निर्देश दे दिया गया था। और कल जो है एक और चीज जानकारी देना चाहूंगा, कल जैसे बजट पेश हुआ उसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बाकायदा जो अपनी पार्टी के कई मंत्रियों को, जो प्रवक्ता है, कई बड़े नेता है, उनके साथ एक बैठक की है, और बैठक में उसी दौरान बता दिया कि इस बजट के मुख्य बिंदु क्या है। और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि जब ये नेता जनता के सामने पहुंचे, फिर चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, इंटरव्यू के माध्यम से हो, तो जनता को बता सके कि बजट की क्या खूबियां हैं। और उसी कड़ी में ये जो आगे के कार्यक्रम है वो भी आगे बढ़ाए जाएंगे। जैसी जानकारी मिली है कि सुशील मोदी जो कि खुद इस कमेटी के अध्यक्ष है, वो जो है सूरत में 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी तरीके से जो तमाम बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री है, वो अगले कुछ दिनों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और बजट की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। जी